वैसे तो हम अनेकान जी से बहुत निकट रूप से, जितने भी मैं सोचता हूँ जितने श्रोता हैं सब अनेकान को बड़े अच्छे से जानते हैं, और परिचय का कोई अनेकान जी जो है परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपका इतना साहित्यिक योगदान और अकादमिक योगदान है कि उसको प्रस्तुत करना मैं यहाँ चाहता हूँ। आपके सम्मान की अगर बात करूँ तो आपको बहुत सारे ऐसे सम्मान मिले हैं जो अकादमिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें सबसे पहला जो सम्मान है वो राष्ट्रपति के द्वारा आपको प्राप्त हुआ महर्षि वादरायण युवा पुरस्कार, जो आपको 2013 में प्राप्त हुआ है। महावीर पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ, शास्त्र परिषद पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ, अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड आपको प्राप्त हुआ, बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं, तो सब मिलाकर के लगभग 12 आपको ऐसे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो आपकी अकादमिक सेवाओं के गंभीरता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी लगभग 16 पुस्तकें प्रकाशित हैं जिसमें प्राकृत दर्शन और उसमें विशेष रूप से जैन दर्शन का आपने बहुत ही मर्म से आपने शोध किया, और अनेक किताबों के माध्यम से साथ ही साथ आपके लगभग 80 शोधालेख प्रकाशित हैं। 80 शोधालेख प्रकाशन के साथ साथ में आपके अनेक पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों को लेकर के लगभग 500 शोधालेख या जिसको कहें कि चर्चाएं या छोटे छोटे आलेखों के माध्यम से आपने इन विषयों को, प्राकृत के विषयों को, दर्शन के विषयों को आपने प्रकट किया है। और प्राकृत भाषा पत्रिका, जो हम ये कहें कि प्राकृत भाषा की पहली पत्रिका है, उसके आप प्रधान संपादक के रूप में भी आप नियोजित हैं। साथ ही साथ आप अनेक सभा संस्थाओं के चेयरमैन भी हैं, सदस्य भी हैं, और उसमें विशेष रूप से अभी एक दिन अनेकान जी ने फिर नेक जो कमेटी है उसके चेयरमैन के रूप में फोटो डाली थी फेसबुक पे, बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे अग्रज, हमारे ही संस्थान के विद्यार्थी इतना आगे बढ़े हैं कि नेक जो पीयर टीम है उसके आप चेयरमैन के रूप में वहाँ मूल्यांकन के लिए गए। हम सभी को आप पर बड़ा गर्व है, और ये बहुत संक्षेप परिचय मैंने दिया है क्योंकि परिचय देने लगूंगा तो शायद ये पूरा व्याख्यान का समय इसमें चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर अनेकान जी से निवेदन करता हूँ आज के व्याख्यान के लिए, जो आपका विषय है प्राकृत भाषा और साहित्य के विकास में 21वीं शताब्दी के श्रवण परंपरा का योगदान जो है वो आज आपके व्याख्यान में सभी सुनेंगे, तो मेरा विनम्र अनुरोध आदरणीय अनेकान जी। धम्मो मंगल मुक्तिट्टम अहिंसा संयमो तबो देवावितम नमस्संति जस धम्मे सयामरो जस धम्मे सयामरो। हमारे परम आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर बच्छराज दुगड़ जी, हम सभी के लिए निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय प्रोफेसर दामोदर शास्त्री जी, गुरुवर प्रोफेसर जिनेंद्र जी, प्रोफेसर संगीत प्रज्ञा जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय प्रोफेसर जयकुमार उपाध्याय जी, मेरे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, डॉक्टर अरिहंत जी और भी अन्य जो मनीषी यहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, एवं मेरे अनुज प्रिय, अत्यंत प्रिय डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज जी जो इस कार्यक्रम का निरंतर संचालन कर रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बहुत सौभाग्य का अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे मेरी जो मातृ संस्था है जैन विश्व भारती संस्थान, जहाँ से मैंने अध्ययन किया, शोध किया, उस संस्थान के द्वारा आयोजित यह जो मासिक व्याख्यान माला है
और विशेषकर प्राकृत संस्कृत विभाग के द्वारा जो आयोजित ये व्याख्यान माला है उसमें आज मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। जैन विश्व भारती संस्थान आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रमण जी, इन सभी की प्रेरणा से अकादमिक कार्यों में निरंतर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और उसी श्रृंखला में यह जो व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है, प्राकृत व्याख्यान, ये अपना अलग महत्व रखती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि कोई भी विषय रिपीट नहीं हुआ है, और आदरणीय प्रोफेसर जिनेंद्र जी मुझसे कह रहे थे कि वक्ता भी रिपीट नहीं हुआ है, विषय भी नए हैं और वक्ता भी नए हैं। सारे व्याख्यानों में कभी वक्ता भी रिपीट नहीं हुए और विषय भी रिपीट। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण, कोई श्रृंखला चलाना आसान बात नहीं होती है। मैं आज जो हमारा विषय है उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि ये विषय बड़ा सरल है, लेकिन जब मैं अध्ययन करने बैठा तब मुझे पता पड़ा, जैसे प्राचीन आगम साहित्य के बारे में, प्राचीन प्राकृत साहित्य के बारे में बोलना हो तो तमाम लिखा हुआ है और स्पष्ट है कि इतना साहित्य है, उनके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है। लेकिन जब हम समकालीन प्राकृत साहित्य की चर्चा करते हैं, आधुनिक युग में हमारी श्रवण परंपरा ने प्राकृत साहित्य के उत्थान में क्या भूमिका अदा की है, इसकी चर्चा करते हैं, तो एक बार तो मैंने आदरणीय प्रोफेसर जिनेंद्र जी से क्षमा याचना भी की थी कि मैं इस विषय पर बहुत न्याय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन आप हमारे गुरु जी रहे हैं तो आप जानते हैं चेलों से कैसे काम लिया जाता है, तो आपने अपने अधिकार पूर्वक कहा कि नहीं, इस विषय पर हमको रखना ही है और आपको बोलना है। तो मैंने उनका आशीर्वाद स्वीकार करके जो कुछ प्रयास मैंने किया है मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। हम संपूर्ण प्राकृत साहित्य को अब इस स्थिति में आ गए हैं कि हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राचीन साहित्य और एक आधुनिक साहित्य। प्राचीन साहित्य में हमारा जितना भी आगम साहित्य या लौकिक साहित्य जितना भी रहा है, जो प्राकृत साहित्य का इतिहास अभी तक लिखा गया, चाहे जगदीश चंद जी ने लिखा हो, चाहे नेमी चंद शास्त्री जी ने लिखा हो, वो आप एक तरफ प्राचीन साहित्य हम रख सकते हैं। और अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आज हम, माने मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस विषय पर भी अब चर्चा होने लगी है, आधुनिक साहित्य पर भी चर्चा हो, माने ये संपूर्ण प्राकृत जगत के लिए बहुत गौरव की बात है कि आधुनिक युग में हम 21वीं शताब्दी कहें चाहे 20वीं शताब्दी कहें, अभी संगीत प्रज्ञा जी कह रही थी 20वीं शताब्दी की भी चर्चा करनी है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़े से समय में हम कितनी चर्चा कर सकते हैं, ये तो एक शोध का विषय है, पीएचडी का विषय है, और अगर कोई एक एक आचार्य पर भी अभी कार्य करने बैठे तो वो भी कम पड़ेगा, इतना अधिक विशाल भाग में आधुनिक युग में भी लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। तो ये हम सभी के लिए, जितने भी प्राकृत विद्या से जुड़े हुए मनीषी गण हैं, जो प्राकृतानुरागी हैं, उनके लिए बहुत सुखद सूचना है कि ये आधुनिक युग में भी महान प्राकृत साहित्य का सर्जन हो चुका है, निरंतर चल रहा है। एक प्राचीन भाषा को, जो कि प्राचीन काल में जन भाषा थी, प्राकृत भाषा, आम लोग प्राकृत भाषा बोला करते थे, बाद में उस पर उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगी तो वो भाषा के रूप में विकसित हो गई, उसको व्याकरण लिखने की आवश्यकता पड़ी उसके बारे में, फिर उसको भी नियमबद्ध किया गया, चूंकि वो भाषा थी उसमें साहित्य रचा गया था, पूरी आगम परंपरा उससे चल रही थी। अब जब वो एक भाषा के रूप में विकसित हो गई तो निरंतर आगे जा करके, जैसे अपभ्रंश की परंपरा चली, उसके बाद हिंदी की परंपरा आ गई, तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं, कोई कहता है कि आज प्राकृत लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं,
तो मैं कहता हूं जो हिंदी बोल रहे हैं वो प्राकृत ही बोल रहे हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा ही परिवर्तित होते होते हिंदी के रूप में, अन्य बोलियों के रूप में हमारे सामने आ। प्राकृत भाषा का स्वभाव परिणमनशील रहा है आरंभ से ही, वो परिवर्तित होती रही है, जितने स्थानों पे गए उतने स्थानों की प्राकृतें हो गई, प्राकृत के अन्यान्य भेद हो गए, तो वो इस भाषा की अपनी एक मौलिक विशेषता रही है। लेकिन वर्तमान में जब भाषाएं पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी हैं, उस समय उस प्राचीन भाषा का स्मरण करके उसे पुनः जीवित करने का प्रयास करना, ये अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। और इस दृष्टि से, चूंकि जैन परंपरा ने मुख्य रूप से प्राकृत साहित्य को अधिक समृद्ध किया, चूंकि उनका धार्मिक साहित्य, आगम साहित्य उस भाषा में रचा गया था, तो जैन परंपरा के जो आधुनिक युग के आचार्य हुए हैं, वर्तमान की हम जो जितनी परंपरा देख रहे हैं, उसमें चाहे हमारे कई आचार्य जो समाधिस्थ हो गए वो हों, या वर्तमान में जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने प्राकृत भाषा में न सिर्फ गद्य लिखा बल्कि पद्य में भी लिख करके उस भाषा को बहुत समृद्ध किया है, साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने एक विचार किया कि मैं एक एक साहित्य के बारे में बोलूं, तो मुझे लगा कि अगर मैं एक एक पुस्तक के एक एक साहित्य के बारे में बोलूंगा तो एक एक व्याख्यान की आवश्यकता पड़ेगी, पूरा समय उसके लिए चाहिए। फिर मुझे लगा कम से कम यदि हम उन आचार्यों का नाम स्मरण कर लें और उनकी कृतियों का नाम स्मरण कर लें तो भी बहुत समय लग जाएगा, इतना अधिक साहित्य है। तो मैं आप सभी के सामने आज उस बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरह से वर्तमान में या अभी पिछले 40-50 वर्षों में किस तरह से प्राकृत साहित्य का विकास अचानक से प्रारंभ हुआ। इसमें हमारे हमारे जो कुछ समाधिस्थ आचार्य हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन चलाया, प्राकृत भाषा और साहित्य की चर्चा भी लोग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जितनी प्रेरणाएं दी, चाहे मैं स्मरण करूं आचार्य विद्यानंद मुनिराज का, चाहे आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी जी और भी अन्य अन्य आचार्य हैं, इन्होंने प्राकृत आगम के क्षेत्र में प्राकृत भाषा के लिए तन मन धन लगा दिया, और रात दिन चाहे कोई बात करे ना करे, लेकिन इन्होंने जितनी प्रेरणाएं दी हैं और जितना उत्कर्ष इसको प्रदान किया है, वर्तमान के जितनी भी श्रवण परंपरा में, चाहे वो श्वेतांबर परंपरा हो दिगंबर परंपरा, दोनों परंपराओं में उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के प्रेरणा से प्रेरणा प्राप्त किए हुए शिष्यगण आज वर्तमान में अन्यान्य रचनाएं कर रहे हैं। अगर रचनात्मक कौशल की दृष्टि से देखें तो हमारे जो अभी समाधिस्थ आचार्य हैं, उन्होंने भले ही प्राकृत में सीधे बहुत सारी रचनाएं ना की, जिनको हम क्रिएटिव पोयम, क्रिएटिव गाथाज या कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्रिएटिव माने उसकी रचनाएं ना की हों, लेकिन प्राकृत साहित्य के संपादन में, प्राकृत आगम के संपादन में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जैन विश्व भारती संस्थान से जो आगम साहित्य की एक परंपरा, प्रकाशन की परंपरा प्रारंभ हुई, उसमें अन्यान्य 13 पंथ धर्म संघ के आचार्यों ने भी, मुनियों ने भी अभूतपूर्व योगदान दिया, और उस परंपरा को मैं समणी कुसुम प्रज्ञा जी तक लाना चाहता हूं जो वर्तमान में भी आगम संपादन का कार्य कर रही है, और एक पूरा समूह, पूरा 13 पंथ धर्म संघ का समूह, सारे साध्वियां, मुनि, आचार्य सब मिल करके जिस तरह से आगम संपादन करके और प्राकृत आगम साहित्य की श्री वृद्धि की है वो अभूतपूर्व है। और हम सभी को जो वर्तमान में अनुवाद उपलब्ध हैं, उनके टिप्पण उपलब्ध हैं, हम लोग बड़ी आसानी से उसका अध्ययन कर लेते हैं, ये इन सभी महान आत्माओं का ही हम लोगों के ऊपर परम उपकार है। आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी चर्चा सबसे पहले हमारे श्वेतांबर परंपरा के जो आचार्य और मुनि हुए हैं, उन्होंने किस तरह से प्राकृत साहित्य को समृद्ध किया है,
अभी मैं अपनी चर्चा थोड़ी सीमित भी करूंगा कि जो आचार्य सीधी सीधी रचनाएं कर रहे हैं मैं उस तक सीमित रखना चाहता हूं। अन्यान्य संपादन आदि के क्षेत्र में बहुत योगदान बहुत लोगों ने किया है, लेकिन जो सीधी सीधी रचनाएं कर रहे हैं मैं उसी बात तक अपनी सीमित रखूंगा, क्योंकि समय उतना नहीं रहता है, नहीं तो वो समय भी बहुत पूरा हो जाएगा। अगर हम आरंभ करते हैं हमारे श्वेतांबर परंपरा की, जो आचार्य परंपरा है उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमको आचार्य श्री उमेश मुनि जी का नाम मिलता है जिन्होंने बहुत कार्य किया, आचार्य आत्माराम जी महाराज, घासीलाल जी महाराज, इन्होंने प्राकृत शिक्षा के क्षेत्र को अपूर्व गति दी। और अगर हम उल्लेख करें तो विजय कस्तूर सूरीश्वर महाराज, उन्होंने पाई बिन्नाण कहा लिख करके एक रचनाओं को अपना अमूर्त मूर्त रूप दिया, उसको प्रारंभ किया। आचार्य उमेश मुनि जी ने जो रचना की उसमें मोखपुरी सत्थो ये ग्रंथ उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा। आचार्य घासीलाल जी ने मोक्ष पद इस तरह लिख करके प्राकृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। आचार्य चंदन मुनि जी के द्वारा रचित रैणवाल कहा ये बहुत प्रसिद्ध हुई, उन्होंने प्राकृत में रचनाएं की थी। इसी तरह णीय धम्म सुत्तियो भी इनकी रचना मानी जाती है। मुनि बिमल कुमार विरचित पियंकर कहा और पय चूसो ये पाइय चूसो, इस तरह से उन्होंने दो रचनाएं की जो प्रसिद्ध हुई। हम साध्वी कंचन कुमारी कृत पाई कहाओ, प्राकृत कथाओं पर आधारित इन्होंने रचनाएं की। मतलब ये अगर आप देखा जाए तो ये एक आश्चर्य का विषय माना गया कि इतनी प्राचीन भाषा में नवीन रचनाएं हो रही। इन रचनाओं को हम अगर आगे भी भविष्य में कभी समीक्षा करने का मौका मिलेगा तो मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा। ये रचनाएं एक तो अपने दर्शन साहित्य पर आधारित, प्राय अधिकतर प्राय मुख्यतः जैन दर्शन साहित्य पर आधारित रचनाएं हमारे आचार्यों ने की हैं, और कुछ साहित्य ऐसा लिखा गया जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी लिखा गया, उसकी भी चर्चा मैं यहाँ करूंगा, जिसमें आज का वातावरण जैसा है, जिस तरह के राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है और वर्तमान की जो समस्याएं हैं उन पर आधारित नीति वचनों को लिखने का भी प्रयास हमारी परंपरा ने, श्रवण परंपरा ने किया है। अगर मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी की बात कहूं, जैसा अभी संगीत प्रज्ञा जी ने कहा था कि उन्होंने अतुला तुला में उन्होंने प्राकृत की गाथाएं लिखी हैं, तुलसी मंजरी, प्राकृत रचना बोध, प्राकृत रचना बोध को मैंने देखा तो वो एक अद्भुत रचना हमको दिखलाई देती है, प्राकृत व्याकरण की और प्राकृत रचना बोध की, कि अगर क्रम से व्यक्ति अध्ययन करे और उनके सभी अध्यायों को अगर अनुवाद सहित अभ्यास करे तो प्राकृत भाषा बहुत सरल तरीके से सीख सकता है। एक अभी आधुनिक समय में लोगों के मन में बड़ा भय रहता है कि हम इन प्राचीन भाषाओं को कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, तो मैं अक्सर विद्यार्थियों से भी ये बात कहता हूँ और कभी जब मैं प्रयोग करता हूँ तो बड़ा सफल भी रहता है। हमारे जो विद्यार्थी आते हैं, कोई पंजाब से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई हरियाणा से आता है, और जब हम गाथाएं उनको पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये तो गाथा हमको समझ में नहीं आ रही। तो उनकी जो लोकल भाषा है, जैसे पंजाबी भाषा है, तो उनके कुछ शब्दों को मैं पूछता हूँ कि तुम इसके बारे में बताओ, तो प्राकृत साहित्य में उसका दर्शन करवा देते हैं कि देखो प्राकृत साहित्य में यूं का यूं वो शब्द जो आज आप प्रयोग कर रहे हैं वो उसी तरह हरियाणवी, राजस्थानी और पंजाबी आदि भाषाओं में विद्यमान है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो गांव के हैं या अपने लोकल भाषाओं को जानते हैं, तो वो कहते हैं अरे ये भाषा तो हमारी अत्यंत निकट है। जब हम उनको सरस तरीके से गाथाएं समझाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसमें रुचि लेने लगते, तब उनको अन्य भाषाएं कठिन लगने लगती हैं, उनको लगता है ये तो हमारे घर की भाषा है और उसको जल्दी वो समझने भी लग जाते। तो इस तरह के प्रयोग हमारे वर्तमान के रचनाकारों ने भी किए कि उन्होंने उन शब्दों को लेकर के और नई नई गाथाओं को रचा और वो उन गाथाओं को रच करके उनके हृदय के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं जो वर्तमान के हमारे श्रोता हैं। इसी तरह आचार्य तुलसी के सानिध्य में उन्होंने जो वो वाचना प्रमुख रहे हैं, आगम साहित्य का जो बहुत बड़ा कार्य हुआ,
उनको हम हमेशा स्मरण करते हैं। मुनि श्री कर्मचंद जी ने जय थई लिखा है, इसी तरह मुनि बुद्ध मल्ल जी ने अत कहा नाम का ग्रंथ लिखा, मुनि बिमल जी ने पाई पच्चुसो जो तीन काव्यों का समावेश है वो लिखा, पियंकर कहा लिखी, पाई पड़िबिंबो अंशुमुत्ता थूली भद्दो पाई संगो, ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे। और अभी मैं पिछले दो दो तीन वर्षों से यहाँ स्थानकवासी संप्रदाय के जय मुनि जी हैं, बहुश्रुत जय मुनि जी, उनके वहां जा रहा हूं तो मैं उनकी रचनाएं भी सुनता हूं। उन्होंने एक वीर थुई लिखी है, वो भी मेरे पास है। मैंने काफी अपनी लाइब्रेरी में अभी आधुनिक साहित्य का भी संग्रह कर रखा है, मुझे जहां से भी प्राप्त होता है मैं इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं, और मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को भी वो साहित्य दिखाऊं। मैंने अपनी टेबल पे सारा इकट्ठा किया हुआ है, आप साक्षात भी उसको देख सकते हैं। दिगंबर परंपरा में हम देखें तो आचार्य अंकलीकर हुए हैं, उन्होंने एक प्रायश्चित विधान लिखा जो 108 गाथाओं का, एक प्रायश्चित की बहुत पुरानी परंपरा मुनि संघों में रही है कि जब कोई भूल या कहीं अनाचार या अतिचार हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित आचार्य देते हैं। तो उस प्रायश्चित विधान को 108 गाथाओं में लिख करके उन्होंने बहुत पहले इस तरह की रचना धर्मिता हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। आचार्य विद्यानंद जी, चूंकि 20-22 वर्षों तक उनके सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला तो उनको तो ये माना जाता है कि वो प्राकृत साहित्य को या प्राकृत भाषा को नीचे झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने का उन्होंने बहुत विशाल कार्य किया, और प्राकृत साहित्य के विषय में जितने वो गंभीर रहते थे, प्राकृत विद्या नाम की पत्रिका भी उनकी प्रेरणा से प्रकाशित हुई जो प्राकृत साहित्य और दर्शन को लेकर के उसमें लेख प्रकाशित होते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने विज्ञान उपेक्षा एक गाथाओं का संकलन नहीं, उनकी रचनाएं हैं शौर सैनी भाषा में, उन्होंने विज्ञान उपेक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा। अभी वो गाथाएं आज चर्चा में नहीं आ पाती हैं, सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन हमको इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि जो हमारी आचार्य परंपरा ने रचनाएं की हैं उनको हम सबके सामने लाएं। अभी कुछ ही समय पहले समाधि को प्राप्त हुए आचार्य विराग सागर महाराज जी ने पाई भक्ति संग्रह हो इस तरह का ग्रंथ लिखा, वो मेरे पास है। उन्होंने प्राकृत भक्ति संग्रह और आचार्य कुंद कुंद की जो भक्तियां थी उसको भी इसमें लिया और स्वयं की गाथाएं रच करके भी उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुमान के साथ नाम लेना चाहता हूं आचार्य वसुनंदी जी महाराज, क्योंकि मैंने उनका साहित्य देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, इतना विशाल साहित्य उन्होंने इतने कम समय में लिख दिया, रच दिया, और वो प्रकाशित भी हो गया, उसका अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। और उनके साहित्य की विशेषता है कि वो प्राचीनता के साथ साथ नवीनता का प्रयोग भी करते हैं। अगर उन्होंने प्राचीन काव्यों के, प्राचीन कथाओं के ऊपर काव्य रचनाएं की हैं तो वर्तमान की समस्याओं के ऊपर भी उन्होंने समाधान पूर्वक कई गाथाओं की रचना की, तो ऐसा एक संयोग भी बहुत कम दुर्लभ दिखलाई देता है। उनकी कुछ रचनाओं की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरे पास उनका उन्हीं के द्वारा रचित प्राकृत वाणी नाम का ग्रंथ है जो जिसका भाग एक है मेरे पास, लेकिन मुझे पता चला है कि इसके भाग चार तक भी प्रकाशित हो गए, और उनकी जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं वो सब इन एक भाग से लेकर चार भाग तक उसमें संकलित कर दी गई, तो प्राकृत रचनावली भी उनकी पूरी प्रकाशित हो गई है। मैं कुछ रचनाओं पर उनकी चर्चा करूंगा, जो दो साहित्य मेरे पास है वो आपको दिखाता हूं। एक ये रठ संति महाजग्गो, मैंने आपसे कहा था कि आधुनिक मतलब अभी राष्ट्रभक्ति को लेकर के चर्चा होती है तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्रवण परंपरा में राष्ट्रभक्ति को लेकर के क्या कहा गया है, तो कभी साहित्य खोजने पर कभी कभी कई प्रसंग हम लोग को मिलते नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ, बहुत रचना धर्मिता के साथ इसमें अनेक गाथाएं रट भक्ति की, राष्ट्रभक्ति की यहाँ पर प्रस्तुत की। एक उनका ग्रंथ है को विवेकी, यानी विवेकी कौन, तो कौन हो सकता है विवेकी, विवेक
किसको कहते हैं और विवेकी किसको कहते हैं, इसको लेकर व्यक्तियों के जो लक्षण होते हैं उसको कथन करने वाला उनका एक अनुपम ग्रंथ है को विवेकी, जिसमें 84 गाथाएं। इसी तरह तिथ्यर अणामत थुदी तीर्थंकर नाम स्तुति करके उन्होंने तीर्थंकर भगवंतों की स्तुतियां की हैं और बहुत सारी गाथाएं इसमें उन्होंने लिखी हैं। एक ग्रंथ है पुण्यासव निलयो, पुण्यास्रव निलय, इसमें 228 गाथाएं हैं और उन्होंने पुण्य की प्रेरणा दी है इसमें कि पुण्य हमको करना चाहिए। आप देखिए राष्ट्र से संदर्भित आप वर्तमान में चल इस समय चर्चा ली आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की एक स्लोगन भारत सरकार ने दिया आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत पर भी उन्होंने अपनी रचनाएं की और उसका नाम लिखा अपरिभर भारतम। यह एक रचना उनकी सामने आई जो बहुत इस समय प्रसिद्ध भी हुई है और उस पर काफी चर्चा होती है। अब विभिन्न प्रकार की जैसे पुरुषों की 72 कलाएं हैं, स्त्रियों की 64 कलाएं हैं, उस पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और कला विज्ञानम, कला विज्ञान नाम का ग्रंथ लिखा जो 372 गाथाओं का ग्रंथ है। इसी तरह उन्होंने आत्मशक्ति की प्रेरणा देने के लिए कि आत्मा अनंत शक्तिमय है उन्होंने अप शक्ति नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें 61 शक्तियों का विशेष रूप से विवेचन किया गया। वयन प्रमाणत्तम, वचन प्रमाणत्व, इस पर उन्होंने 583 गाथाओं में यह ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने वचन, जैसे हम लोग नए स्यादवाद और नए प्रमाण की चर्चा करते हैं तो उसका उन्होंने परिभाषाएं और उनके लक्षण इत्यादि का इसमें बहुत सुंदर विवेचन किया। इसी तरह उन्होंने तत्व सारो नाम का ग्रंथ लिखा, तत्व सार और अनुपेक्षा सार, अणुवेक्षा सारो जो 297 जिसमें गाथाएं हैं। एक रयण कंडो, ये ग्रंथ भी मेरे पास है, रयण कंडो नाम का जो प्राकृत सुक्ति कोष जैसा है, ये भी इन्होंने रचनाएं की हैं और इसमें 3333 सुक्तियां हैं इस ग्रंथ में, उसकी प्राकृत की सुक्तियां और इसकी इन्होंने रचना की है बकायदा और 600 विषय इसमें लिए और उसमें हिंदी में भी अनुवाद है, अंग्रेजी में भी अनुवाद है, तो सुक्ति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने की। इसी तरह कर्म स्वभाव, कर्म सिद्धांत पर आधारित उन्होंने कम सहावो नाम का 597 गाथाओं का ग्रंथ लिखा। इसी तरह अज्जप सुत्ताणी जो 168 सूत्रों में रचित है और 3 अध्यायों में यह ग्रंथ विभाजित। एक ग्रंथ है मूल वर्णों, मूल वर्ण 84 गाथाओं में इन्होंने इसमें 64 वर्णों की और उनकी शक्तियों का विवेचन विशेष रूप से किया है। एक ग्रंथ है विश्व पूज्यो दिगंबर, उन्होंने दिगंबर मुनियों का गुणगान किया है इसमें गाथाओं में 165 गाथाओं में। इसी तरह एक निग्रंथ थुदी माने निर्ग्रंथ मुनियों की स्तुति की है 111 गाथाओं और एक ग्रंथ उन्होंने रमोकार महापुरो, रमोकार महात्म के ऊपर लिखा जो रमोकार मंत्र की महिमा सभी लोग जानते हैं, तो 159 गाथाओं में यह ग्रंथ लिखा। इसी तरह विस्त धम्मो ग्रंथ लिखा 165 गाथाओं में। समव शरण सोहा, समव शरण के बारे में पूरा वर्णन करते हुए 786 गाथाएं लिखी और वर्तमान में हम सभी जानते हैं विश्व योग दिवस मनाया जाता है और जैन योग की एक विशाल परंपरा है, तो उन्होंने अठंग योग ऐसे करके जोगो करके ग्रंथ लिखा 273 गाथाओं में जिसमें जैन योग का विशेष रूप से प्रतिपादन है। अप विहिबो मंगल सुत्तम और श्री शीतलनाथ चरित्र, शीतलनाथ तीर्थंकर भगवान का चरित्र उन्होंने बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया है और शुद्धप्पा शुद्धात्मा का वर्णन करते हुए 174 गाथाएं लिख करके वर्णन किया है। और अभी यहाँ फरीदाबाद में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था जिसमें अशोक रोहिणी चरित्र, अशोक रोहिणी चरियम, उन्होंने एक चरित ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने 2442 गाथाएं लिखी और ये 21 नंदों में अध्यायों में ग्रंथ विभक्त है। धर्म सूत्र पसम भाव प्रशम भाव जिसमें 72 गाथाएं हैं, लोकोत्तर वृत्ति ये 93 गाथाओं का ग्रंथ,
और प्राकृत वाणी, जैसा मैंने कहा कि ये एक से लेके चार भागों में जो ग्रंथ है ये वसुनंदी महाराज जी ने, आचार्य महाराज ने लिखा है। और मैं आचार्य वसुनंदी महाराज जी को तब से जानता हूँ जब वो, उनका नाम मुनि निर्णय सागर जी था और वो आचार्य विद्यानंद महाराज जी के यहाँ पढ़ने आते थे, तो उनकी प्रेरणा मैं इसको मानता हूँ, ये आचार्य विद्यानंद जी की कृतियां हैं। माने आचार्य विद्यानंद जी ने ऐसे ऐसे संतों को शिक्षाएं दी, ऐसी प्रेरणाएं दी कि आज उनके संत जैसे उनके शिष्य परंपरा में आचार्य विद्यानंद महाराज जी, आचार्य प्रज्ञ सागर जी, आचार्य श्रुत सागर जी, इन सभी ने प्राकृत के क्षेत्र में बहुत काम किया। आचार्य श्रुत सागर जी ने द्रव्य संग्रह की प्राकृत टीका लिखी, महाद्रव्य संग्रह। इसी तरह आचार्य प्रज्ञ सागर जी ने भी बहुत सारा साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा है और उसको प्रस्तुत करते हैं। अब मैं जैसे हमारी संगीत प्रज्ञा जी कह रही थी कि आचार्य सुनील सागर महाराज जी को प्राकृत सम्राट की उपाधि दी गई है और किसी विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी है, तो ये वास्तव में प्राकृत भाषा के क्षेत्र में, रचनाओं के क्षेत्र में आचार्य सुनील सागर महाराज जी ने भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके ग्रंथ भी मेरे पास हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कुछ लेने बाकी हैं। जैसे उनके अभी उदयपुर में गोष्ठी हुई थी जिसे अभिनव प्राकृत काव्य परिशीलन, तो ये उन्हीं के साहित्य पर गोष्ठी हुई और उसका उसका एक ग्रंथ ये प्रकाशित हुआ है, प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी ने प्रकाशित किया है, आप लोग इसको पढ़ें। ये डॉक्टर कल्पना जी ने इसका संपादन किया है और इसमें उन लेखों का संग्रह जो आचार्य सुनील सागर महाराज जी ने जो साहित्य रचना की है उसकी समीक्षा करते हुए विद्वानों ने लेख लिखे, तो इसमें पूरा उनके साहित्य का परिचय हमारे सामने आ जाता है। और एक ग्रंथ है उनका सुनील समग्र, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, इसमें उनकी अधिकांश रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और भी इसके बाद रचनाएं लिखी गई लेकिन इसमें जो उनकी मुख्य रचनाएं थी जो हम लोग को अलग अलग पुस्तकों के रूप में प्राप्त होती थी वो उन्होंने इसमें लगभग सभी संकलित कर दी हैं, जिसका संपादन प्रोफेसर उदय चंद जी जैन, आदरणीय प्रोफेसर दामोदर शास्त्री जी ने इसका संपादन किया है। ये भी बहुत ग्रंथ लिखते हैं, जैसे ये थुदी संगो ग्रंथ है, इसमें स्तुतियों का संग्रह किया गया है और ये प्राकृत में है और इसका अनुवाद भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये भावनाओं को लेकर के उनका ग्रंथ है भावना सारो, ये देखिए भावना सारो, और इसमें भी प्राकृत में गाथाएं हैं और उसका अनुवाद है। इसी तरह अध्यात्म विषय को लेकर उन्होंने अज्जप सारो ग्रंथ लिखा है, इसमें भी पूरा विषय है। और माने मैं पहले आपसे कहा कि हर पुस्तक पर एक एक व्याख्यान दिया जा सकता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए मैं सिर्फ अभी, बहुत सारे यहाँ विद्यार्थी लोग भी जुड़े हैं जो प्राकृत साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कम से कम उनको हमारी वर्तमान साहित्य संपदा का परिचय हो जाए इस दृष्टि से मैं दिखा रहा हूँ। ये भी सुनील सागर महाराज जी का ग्रंथ है निधि संगो। उनका एक उनकी एक विशेषता मैंने देखी कि वो जहां कहीं भी उनका चातुर्मास होता है, वहां कोई तीर्थ हो कुछ हो, तो वो उन उन तीर्थों के इतिहास के बारे में भी लिखते हैं और प्राकृत में लिखते हैं, उस पर ग्रंथ प्रकाशित करते हैं, तो हमारे पास सामने एक बहुत बड़ी संपदा आ जाती है। जैसे ये उन्होंने भद्रबाहुचर्यम, जब वो श्रवण बेलगोला में उनका प्रवास था तो उन्होंने भद्रबाहुचर्यम ग्रंथ लिख दिया और इसमें प्राकृत और हिंदी दोनों अनुवाद गद्य में लिखा हुआ है। भावना सारो मैं आपको बता ही चुका हूं। इस तरह और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, अगर मैं वो सारी स्तुतियां, उनका एक पूरा स्तुति संग्रह प्रकाशित है जिसमें चतुर्विंशति तीर्थंकर की स्तुति और भी बहुत सारी वीतराग वाणी थुदी ग्रंथ की थुदी गुरु थुदी, ऐसे करके बहुत सारा साहित्य उन्होंने प्रकाशित किया है। उन सभी का हम पूर्ण रूप से वर्णन यहाँ करने में समर्थ नहीं है लेकिन कम से कम हमको उनकी सब कृतियों का एक नामोल्लेख भी हो जाए तो हम परिचय तो प्राप्त हो ही जाता है। मैं हो सकता है सभी कृतियों का नामोच्चारण या न कर पा रहा हूँ या मुझे ज्ञात न भी हो क्योंकि लगातार रचनाएं हो रही हैं, कई चीजों की सूचनाएं भी हम लोगों को नहीं मिल पाती, लेकिन ये एक अच्छा विषय है। हमारे जो और शोधार्थी हैं जो विषय पूछते हैं कि हमको किस विषय पे काम करें तो वो समकालीन प्राकृत साहित्य पर काम कर सकते, उनको ये अच्छा विषय। इसमें बहुत सारे अवांतर विषय भी बनते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी चर्चा मुनि श्री
प्रणम्य सागर जी की रचनाओं पर करना चाहता हूं। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी संत हैं और आप जिस तरीके से आपकी रचना धर्मिता सामने आई है, आप संस्कृत में टीकाएं लिख रहे हैं, संस्कृत में छंद लिख रहे हैं और संस्कृत ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी कर रहे हैं, पद्यानुवाद भी कर रहे हैं, बहुत सारे काव्य ग्रंथ संस्कृत के आपने लिखे। लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो मुख्य मुहिम है वो प्राकृत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं और उन्होंने अन्य कृतियां प्राकृत में भी लिखी हैं, संकलनात्मक भी हैं। जैसे उन्होंने एक 16 कारण भावना के ऊपर एक तिथियर भावना नाम का ग्रंथ लिखा, ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है 16 कारण भावनाओं पर। इसमें उनके मौलिक विचार भी सामने आते हैं और प्राकृत गाथा उसका पद्यानुवाद अन्वयार्थ वगैरह करते हैं, तो जो हमारे पाठ्यक्रम में लगने योग्य भी पुस्तकें ये हमारे सामने आ जाती। उन्होंने एक जैन कथाओं को लेकर के एक ग्रंथ लिखा धम्म का। दरअसल ये इतिहास का निर्माण हो रहा है, जिन चीजों के हमको प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं वर्तमान में उन विषयों पर रचनाएं की जा रही हैं, तो भविष्य के लिए वो हमारे लिए प्रमाण बन जाए। इसी तरह में उनकी जो दार्शनिक प्रतिक्रमण, अब आज के समय में आप देखें जो प्राचीन प्रतिक्रमण हम पढ़ते हैं तो उस प्रतिक्रमण में प्राचीन बातें हैं, हम किन किन चीजों का प्रायश्चित करते हैं, किन किन दोषों की गढ़ा करते हैं, लेकिन इन्होंने दार्शनिक प्रतिक्रमण लिख करके वर्तमान के जो दोष हैं, जिनका लोग वर्तमान को समझते हैं, उन दोषों का भी प्रतिक्रमण करके एक नया विधान लिखा। मैंने उसको स्वयं पढ़ा है, मैं कई बार करवा भी चुका हूं। तो दार्शनिक प्रतिक्रमण, ये प्राकृत भाषा में उनकी एक रचना है, गोमडेश पंडिमा भक्ति और प्राकृत रचना भास्कर धम्म पह शतकम, वो शतक भी उन्होंने लिखा, प्राकृत स्तुति संग्रह भी लिखा और वर्तमान में पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए, चूंकि वो प्राकृत की पाठशालाओं का बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, उन्होंने काफी संस्थाएं भी उनकी प्रेरणा से बनी है, तो प्राकृत शिक्षा भाग 1, 2, 3, 4 करके नए बच्चों के लिए प्राकृत कैसे सिखाई जाए, इसका एक आंदोलन उन्होंने चला रखा, उन ग्रंथों का भी प्रणयन किया है। पाई बाल भारदी, प्राकृत गीतों को लिख करके बच्चों के सुलभ गीत, ताकि बच्चे भी प्राकृत में गीत पढ़ सकें। और विशेषता यह है कि उन्होंने हमारे जो ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ थे उनकी प्राकृत में टीकाएं लिखी, जैसे अष्ट पाहुड़ पर उनकी टीका उपलब्ध है, आठों पाहुड़ में हम दंशन पाहुड़, चरित्र पाहुड़, सूत्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मुख पाउड़, लिंग पाउड़, शील पाउड़, इन सभी पाउड़ों पर उन्होंने प्राकृत भाषा में टीका ली। तो मैं मानता हूं ये तो आधुनिक युग का बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इसके पहले इस इतनी तीव्र गति से रचनाएं नहीं हो रही। तो ये कुछ जो हमारे प्राचीन आचार्यों की तपस्या थी वो फलीभूत हो रही है, जितनी प्रेरणाएं प्राकृत को जीवंत करने के लिए वो देते थे तो उनकी वो बातें खाली नहीं गई, किसी ने उस बातों को सीखा और हमारी ये जो श्रवण परंपरा है वो उनमें नई नई रचनाएं करके उसको निरंतर समृद्ध करने में लगी हुई। और अभी इधर बीच और भी हम बहुत सारे संतों के नाम ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ छुटपुट रचनाएं भी की गई, जैसे एक साहित्य दो साहित्य भी लिखा गया। अभी हम यहाँ जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने मैंने वास्ट लेवल पर, बड़े लेवल पर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी, गाथाएं भी लिखी, गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा, उनकी चर्चा तक ही हमने अपनी बात को सीमित रखा है। और उसी श्रृंखला में हमारे समक्ष आते हैं, मैं उनके पास गया भी हूँ, उनका साहित्य भी देखा है, हमारे इस समय मुनि आदित्य सागर महाराज, ये इनकी भी बहुत अद्भुत रचनाएं हमारे सामने आ रही। जैसे मैं आता हूँ, मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी तो नामोल्लेख करूंगा, निधि रहस्यम ये ग्रंथ है उनका, ये भी बड़ा सुंदर ग्रंथ है, मैंने पढ़ा। नए आधुनिक बातों को लेकर के किस तरह से प्राचीन तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है, ये वो इसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसे सुभाषित प्रसिद्ध हुआ करते थे, तो वर्तमान में नीति साहित्य अगर सुभाषितों को लेकर के प्राकृत देखें तो इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। एक उनकी आचार्य विशुद्ध सागर जी की किताब है निजानुभव तरंगड़ी, जो उनके गुरु महाराज हैं, तो उन्होंने उसका प्राकृत में अनुवाद कर दिया, इसका नाम उन्होंने अड़िया अनुभव तरंगणी रखा, इसका प्राकृत में अनुवाद हो गया। और ऊपर जो बात प्रवचन उनके लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे प्राकृत में ये उनके शिष्य हैं तो उसका अनुवाद कर देते। इसी तरह
वो पांडुलिपियों पर भी बहुत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो हरडे कन्नड़ भी जानते हैं और काफी भाषाओं का अभ्यास निरंतर कर रहे हैं। तो वो उन्होंने आचार्य कुंद कुंद विरचित एक झाण झैण पाहुड़ की खोज की और उसका अनुवाद कर दिया और उसको संपादन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैंने जो ध्यान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अद्भुत ग्रंथ है। इसकी चर्चा बहुत पहले होती थी, ग्रंथ मिलता नहीं था, उन्होंने इसकी खोज की और इसका संपादन करके हमको प्रस्तुत कर दिया। इसी तरह एक शुद्धात्म तरंगणी नाम का ग्रंथ भी उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे उन्होंने सत्यार्थ बोध एक ग्रंथ है आचार्य विशु सागर जी का, तो उसका प्राकृत अनुवाद कर दिया उन्होंने। ये देखिए बहुत बृहद रूप से प्रकाशित है, ये भी मेरे पास उपलब्ध था तो हम देख सकते हैं। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, उनके कितने ग्रंथों का मैं नाम लिखूं, बहुत सारी तो उन्होंने स्तुतियां लिख दी, जैसे 2400 तीर्थंकर भगवान के ऊपर स्तुति उनकी है ही है, वो भी इसी तरह विमस वंदना विराग अठणम धम्म सदगम सिक्खा सुत्तम जीवन सुत्तम संति थुदी, ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे काव्य साहित्य भी इन्होंने प्रस्तुत किए। तो हम देखें, अभी मैं चूंकि जैसा आप हमारे सत्यनारायण भारद्वाज जी कह रहे थे, मैंने सन 2014 में सबसे पहला एक संस्करण निकाला था पागध भाषा का, आचार्य विद्यानंद महाराज जी की प्रेरणा से, और वो उनकी प्रेरणा से कि प्राकृत भाषा में सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन आज तक समाचार पत्र नहीं उसमें छपा, कोई पत्रिका ऐसी नहीं है जो सिर्फ प्राकृत भाषा में प्रकाशित हो। तो उनकी प्रेरणा से एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया, तो उसमें सबसे पहले समस्या आई कि इसके रचनाकार कहां से आएंगे, कौन लिखेगा इसमें, क्या करेंगे। तो लेकिन आज ये हमारे सामने है कि बहुत सारी रचनाएं हमारे पास आती हैं, तो हमारे जो और भी नए नए रचनाकार हैं उनके लिए वो एक मंच बन गया। तो अगर मैं पागध भाषा के सारे अंकों को आपको दिखाऊंगा तो आपको उसमें ऐसे नए नए कई रचनाकार मिलेंगे जो लिखने का अभ्यास कर रहे हैं और उसमें कोशिश करते हैं, लिखने की प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े वो रचनाकार बन सकते हैं। तो हमने उनको एक मंच देने का प्रयास किया। आधुनिक युग में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, जैसे मैं प्रोफेसर प्रेम सुमन जी की कृति देख रहा था, आपने प्राकृत प्रभु दर्शन श्रवण बिलगोला के बारे में उन्होंने पूरा वर्णन गद्य प्राकृत में किया है। तो ये सब आधुनिक युग की रचनाएं हैं और लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पागध भाषा की चर्चा की, तो ये एक महामस्तकाभिषेक विशेषांक इसका हमने 2018 में प्रकाशित किया था और 2014 से निरंतर ये 10 वर्ष लगभग हो गए और पागध भाषा के सारे अंक आपको वेबसाइट पर भी मिल सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की रचनाएं हम देखते हैं और मैं समझता हूं जो सबसे पहला प्रयास मुझे RNI वालों ने बुलाया था जहां रजिस्ट्रेशन होता है और उन्होंने ये कहा था कि हम भाषा के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपने जो ये रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है ये प्राकृत भाषा हमारे किसी कॉलम में नहीं है, हम आपकी पत्रिका किस उसमें रजिस्टर्ड करें, किस लैंग्वेज में। तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ आज तक कोई प्राकृत पत्रिका आई नहीं, इसलिए आपके यहाँ भाषा उस कॉलम में है ही नहीं, तो आप एक नया कॉलम बनाइए और उसमें इसका रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कुछ समय बाद मुझे बताया कि आपको बधाई हो, ये प्राकृत भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र माना जाएगा क्योंकि इस भाषा का पहला रजिस्ट्रेशन ये है जो प्राकृत भाषा में लिखते हैं और प्राकृत में ही समाचार लेखन की परंपरा भी इसके साथ प्रारंभ हो जाती है। मैंने भी एक रचनाओं का थोड़ा प्रयास किया, हमारे जो 10 लक्षण पर्व होते हैं उसमें 10 लक्षण 10 धर्मों का की परिभाषाएं निर्धारित करने की जो कोशिश की प्राचीन आचार्यों की आशीर्वाद से उनका अध्ययन करते हुए नए तरीके से, इसमें 10 धम्म सारों में हमने 15 गाथाओं में प्राकृत भाषा के अंतर्गत हमने जो 10 धर्म की चर्चा वर्तमान में चल रही है उसको समेटने का यहाँ पर प्रयास किया। बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं कई दिन से उनको इकट्ठा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकूं। कभी होता है अकेला नाम सुनते सुनते समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर सामने हम प्रकाशित साहित्य देख लें तो हमको ये देखिए बाहुबलिस रायण आई तक्षशिला, ये प्राकृत में नाम रखा है इस ग्रंथ का, आचार्य विद्यानंद महाराज जी की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ था और प्रोफेसर प्रेम सुमन जी ने इसमें सहयोग किया लेखन का। तो इसमें बाहुबली से संबंधित
जितना भी प्राकृत साहित्य वो एक जगह इकट्ठा करके रखे। तो अगर आज के इस संदर्भ को आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपके हमारे जितने भी नए विद्यार्थी हैं या नए विद्वान हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा खुला आकाश कार्य करने के लिए हमारे सामने। जिनकी रुचि प्राचीन पांडुलिपियों में है वो उसका कार्य करें, जिनका रुचि नई रचनाएं करने में है वो उसका काम करें, जिनका काम उसके दर्शन दृष्टि को देखने का है, जिनको काव्य सौंदर्य देखने का है, माने आपके सामने आपकी रुचि के अनुकूल प्राकृत साहित्य में सब कुछ उपलब्ध हो जाए। अगर आप देखने की अगर दृष्टि है तो वर्तमान से लेकर प्राचीन से लेकर वर्तमान तक आपके पास बहुत सारी सामग्री है और बहुत सारा खुला आकाश प्राकृत साहित्य के क्षेत्र में काम करने का है। और प्राकृत साहित्य के क्षेत्र में जितने हमारे विद्वान काम कर रहे हैं वो भी तन मन धन से समर्पित होकर के सभी विद्यार्थियों का सहयोग भी करते हैं। और मैं उन सभी आचार्यों को प्रणाम करता हुआ जो प्राचीन काल से हम सभी को प्रेरणाएं दे रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से आज आज नए नए हमारे श्रवण मुनि भी रचनाएं कर रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सभी की मैं वंदना करता हुआ आज की इस अपने वक्तव्य अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से विषय बहुत बड़ा और गंभीर है और हमारी श्रवण परंपरा भी बहुत सुदीर्घ परंपरा है और निश्चित रूप से और नियमित रूप से हमारी जो श्रवण परंपरा है वो प्राकृत भाषा और साहित्य ज्ञान के लिए उसके विकास के लिए साहित्य सर्जना कर रही है, क्योंकि साहित्य सर्जना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इन भाषाओं को और जो इन भाषाओं में संरक्षित हमारी संस्कृति जो संरक्षित है उसको संरक्षित रख सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपने शुरू में कहा कि कुसुम प्रज्ञा जी तक आप इस परंपरा को लेके आना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कुसुम प्रज्ञा जी नहीं संगीत प्रज्ञा जी तक आप ले आइए, क्योंकि उन्होंने भी प्राकृत भाषा प्रबोधनी एक बहुत सुंदर प्राकृत भाषा का ग्रंथ लिखा है। तो ये सारी श्रवण परंपरा है जो निश्चित रूप से नए नए शोध कार्यों के माध्यम से प्राकृत भाषा और साहित्य को योगदान दे रही है। और आज का इस व्याख्यान के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अब निवेदन करता हूँ हमारे विभाग के आदरणीय दामोदर शास्त्री जी सर से अपने आशीर्वचन के लिए। आदरणीय शास्त्री जी, हेलो जी सर।